इम्पीरियलिज्म ये फर्स्ट पार्ट है, साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद। ट्रेड फॉलोज द फ्लैग आर फ्लैग फॉलोज द ट्रेड, ट्रेड इसका मतलब ये होता है कि व्यापार जो है, व्यापार पहले जाता है और जो है उसके पीछे जो है साम्राज्यवाद का झंडा जाता है, झंडा जाता है। आर फ्लैग फॉलोज द ट्रेड, या फिर साम्राज्यवाद का झंडा पहले जाता है और उसके पीछे जो है व्यापार जाता है, व्यापार जाता है। जैसे इसको हम अपने उसमें देख सकते हैं, भारत के इतिहास में देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जो है पहले आई थी, उसके बाद जो है ब्रिटिश जो है सत्ता भारत में प्रस्थापित हुई थी, ये देखने को मिलता है अपने यहाँ भारत देश में। तो आज जो है 21वीं सदी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो है कि व्यापार जो है पहले जाता है, उसके पीछे जो है साम्राज्यवाद का झंडा जाता है, या फिर साम्राज्यवाद का झंडा पहले जाता है और व्यापार उसके बाद जाता है, ये है साम्राज्यवाद। इसी को कहते हैं इम्पीरियलिज्म, कहते हैं इसी को। इम्पीरियलिज्म इज ए पॉलिसी हुज एम इज टू बिल्ड एन एम्पायर, टू ऑर्गेनाइज इट एंड टू मेंटेन इट। साम्राज्यवाद एक नीति है जिसका उद्देश्य एक साम्राज्य का बनाना, उसे संगठित करना और उसे बनाए रखना है, बनाए रखना। यानी साम्राज्यवाद एक नीति है, नीति है जिसमें उसका उद्देश्य होता है साम्राज्य का बनाना, यानी एक साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य बने और उसे संगठित करना और उसे बनाए रखना, ये होता है साम्राज्यवाद की नीति होती है। यानी साम्राज्यवाद का झंडा व्यापार के पीछे चलता है या व्यापार झंडे के पीछे चलता है, जो इसमें कहा गया है कि ट्रेड फॉलोज दी पॉप फ्लैग और फ्लैग फॉलोज दी ट्रेड, तो उसी में है साम्राज्यवाद की एक नीति है, साम्राज्यवाद एक नीति है, एक पॉलिसी है। इट इज सच ए स्टेट हुज साइज इज वेरी बिग, इन इट सेवरल सेपरेट नेशनल यूनिट्स आर इंक्लूडेड, इट इज अंडर वन सेंट्रल अथॉरिटी, वन सेंट्रल अथॉरिटी। साम्राज्यवाद है क्या? वह एक ऐसा राज्य है, साम्राज्यवाद एक ऐसा राज्य है जिसका आकार बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है तो एक देश में नहीं होती है, ये ढेर सारी, दुनिया के ढेर सारी देशों में अपने कारोबार को करती हैं, तो जिसका आकार बहुत बड़ा होता है, जिसमें अनेक पृथक राष्ट्रीय इकाइयाँ शामिल होती हैं, जो अलग अलग देश के जो व्यापारी होते हैं वो जो है इस व्यापार में शामिल होते हैं, या वहाँ का जो सत्ताधारी वर्ग होता है या राजनीतिक वर्ग होता है वो जो है साम्राज्यवाद में हिस्सा बनता है अपने फायदे के लिए, जिसमें अनेक पृथक राष्ट्रीय इकाइयां शामिल रहती हैं और जो एक केंद्रीय इच्छा के अधीन रहता है, और जो एक केंद्रीय इच्छा के अधीन रहता है। जैसे अमेरिका को कहा जाता है कि जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, ये साम्राज्यवादी देश है। जो ब्रिटिश है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन को भी कहा जाता है साम्राज्यवादी देश है। तो ये जो है ये लोग कंट्रोल करते हैं, ये लोग मल्टीनेशनल कंपनीज को कंट्रोल करते हैं और उसमें ढेर सारे देशों के लोगों के व्यापारी वर्ग को शामिल करते हैं, और वहाँ के जो प्रभावशाली जो वर्ग होता है राजनीति में उसको वो शामिल करते हैं। तो यही कहा गया है कि वह एक ऐसा राज्य है, साम्राज्यवाद क्या है, वह एक ऐसा राज्य है जिसका आकार बहुत बड़ा होता है, जिसमें अनेक पृथक राष्ट्रीय इकाइयाँ शामिल रहती हैं, और जो एक केंद्रीय इच्छा के अधीन रहता है, एक केंद्रीय इच्छा के अधीन रहता है। इट इज नो मोर द पर्पज ऑफ इम्पीरियलिज्म टू कन्फर बेनिफिट्स अपॉन इट्स विक्टिम्स दैन टू कन्फर बेनिफिट्स अपॉन द होम कंट्री, होम कंट्री। ये सुमैन साहब कह रहे हैं साम्राज्यवाद का उद्देश्य अपने जाल में फंसे लोगों की भलाई करना बिल्कुल नहीं है। साम्राज्यवाद का उद्देश्य अपने जाल में फंसे लोगों की भलाई करना बिल्कुल नहीं है। असली उद्देश्य तो अपने देशवासियों का कल्याण करना है, असली उद्देश्य तो अपने देशवासियों का कल्याण करना है और उन्हें समृद्ध बनाना है, और उन्हें समृद्ध बनाना है। ये है साम्राज्यवाद का उद्देश्य, ये है साम्राज्यवाद का उद्देश्य। अमेरिका कोई भारत में कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं चलाने वाला है, यहाँ की गरीब जनता का भलाई करने वाला नहीं है, ये बात
बात हमारे भारत देश के लोगों को समझना चाहिए। ब्रिटेन के लोग आए थे तो क्या यहाँ की गरीब जनता की सेवा करने आए थे? सेवा करने आए थे, इस देश को लूटने आए थे, लूट कर ले भी गए, ले भी गए। इफ देयर आर स्लेव्स, इफ देयर आर स्लेव्स बाय नेचर, इट इज बिकॉज देयर हैव स्लेव्स अगेंस्ट नेचर। ये रूसो साहब कह रहे हैं यदि ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रकृति से ही दास हैं, यदि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रकृति से ही दास हैं, तो इसका कारण यह है कि पहले प्रकृति के विरुद्ध लोगों को दास बनाया गया है। पहले प्रकृति के विरुद्ध लोगों को दास बनाया गया है, यानी प्रकृति ने सबको आज़ाद बनाया है, लेकिन प्रकृति के विरुद्ध में जाकर के लोगों को दास बनाया गया है, गुलाम बनाया गया है। जैसे हम अपने भारत देश में देखते हैं कि यहाँ का जो शैतान पेशवा है वो मनुस्मृति लागू कर रहा है 21वीं सदी में, निजीकरण करके कहीं EVM से, कहीं कोलेजियम से, कहीं लेटरल एंट्री से, गुंडागर्दी से, मॉब लिंचिंग से, वो जो है हमारे भारत देश के लोगों को गुलाम बना रहा है। तो इसी को जो है ये रूसो साहब कहते हैं कि दुनिया में अगर गुलाम लोग हैं तो ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रकृति से ही दास हैं, तो इसका कारण यह है कि पहले प्रकृति के विरुद्ध लोगों को दास बनाया गया है। ये बदमाश शैतान कहते हैं कि लोग जो है गुलामी करने के लिए ही पैदा हुए हैं, ये लात से पैदा हुए हैं, ये शूद्र हैं, ये अद्विज हैं, तो हम इनके ऊपर शासन करेंगे। ये हैं शैतान पेशवा की नीति हमारे भारत देश में। नो मैन इज गुड एनफ टू बी अनादर्स मास्टर, नो मैन इज गुड एनफ टू बी अनादर्स मास्टर। कोई भी व्यक्ति इतना अच्छा नहीं होता कि वह दूसरे का मालिक बन जाए, लेकिन ये जो शैतान है ये अपने को कहता है सुपर मैन, सुपर नेचुरल, सुपर अलमाइटी, सुपर रेस। अब कहता है हमारी रेस बड़ी सुपर है, और वर्ण भेद, नस्ल भेद, रंग भेद ये करता है, और मालिक शासन करने के लिए कहता है कि हम दूसरों पर शासन करेंगे, हम सुपरमैन हैं, मैन के ऊपर शासन करेंगे। भारत में हम देखते हैं कि मनुस्मृति में जो है भूसुर महिसुर भूदेव लिखा गया है, ऐसे लोग तो शैतान हैं, कहते हैं भूसुर हैं, महिसुर हैं, भूदेव हैं, हम तो दुनिया के मालिक हैं, हम लोगों पर शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, जन्म से ही पैदा हुए हैं, वर्णचरम हमारा महान है। तो कोई भी व्यक्ति इतना अच्छा नहीं होता कि वह दूसरे का मालिक बन जाए, लेकिन अब इन शैतानों का क्या कहा जाए, इनका क्या इलाज है। कॉलोनीज इन पर्टिकुलर आर नॉर्मली क्लास असेट्स विच ब्रिंग एडवांटेजेस दैट इज टू इन्वेस्टर्स एटसेट्रा, बट डिसएडवांटेजेस दैट इज टू वेज अर्नर्स। लियोनार्ड बार्न साहब कह रहे हैं उपनिवेश विशेष तौर पर कुछ वर्गों के लिए लाभप्रद होते हैं जो शासन में हैं और जो पूंजीपति हैं उनके लिए लाभप्रद होते हैं। वे पूंजी लगाने वालों और उत्पादकों के लिए लाभप्रद होता है, पर वेतन भोगी मजदूरों के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे आज हम भारत देश में देखते हैं, हमारे मोदी जी ने श्रम कानून पास किया है, अब 12 घंटे लोगों से काम कराएंगे। 12 घंटे काम करने का मतलब गुलामी होती है साथियों। 1942 में हमारे बाबा साहब जो वाइस राय काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने 8 घंटे का कार्य बनाया था, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है, ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी 8 घंटे की कार्यावधि मानी है। लेकिन आज 2021 में हमारे भारत देश में गुलामी आई है, हमारे मोदी जी ने 12 घंटे के लिए मजदूरों के लिए कार्यावधि का कानून पास किया है। तो साथियों, ये साम्राज्यवाद के कुछ चमचे, दलाल और भगत हर देश में पाए जाते हैं या पैदा किए जाते हैं। तो भारत देश के अंदर भी ये शैतान पेशवा हैं जो साम्राज्यवाद के दलाल हैं, चमचे हैं, भगत हैं, और उनके जरिए जो है भारत के मूल निवासियों को ये शैतान पेशवा जो है गुलाम बना रहा है।